देखा सीधी खड़ी चढ़ाई है। जय माता दी। कल कल करती यमुना मैया और ये मेरे बच्चे दोनों स्नेहा और सौम्या घोड़ों पर जाते हुए खच्चर पर और सीधी खड़ी चढ़ाई है, टफ चढ़ाई है। बच्चों ने, कई लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग तो पैदल चलेंगे, लेकिन जैसे ही चढ़ाई देखी सभी ने घोड़ा कर लिया। कैसे पहाड़ में से पानी निकल रहा है। एक्चुअल में जो रिस्की बात यह है, जैसे आप देखेंगे ये रास्ता नीचे से बिल्कुल पत्थर निकले हुए, ऊपर आरसीसी की छत डाली हुई है जिस पर ये अभी भी घोड़े निकलेंगे। इसकी ये पत्थर इस पर बढ़ेगी, घाटों पर लगेगी। पहले ये रास्ता था, टूट गया है। इस रास्ते से ऐसे क्रॉस होके जाते थे, ऊपर ग्लेशियर के लैंडस्लाइड होने से टूट गया है। अभी ये पुल बना करके, नया पुल बना करके यहाँ से रास्ता को कंटिन्यू किया है। अगर हम देखेंगे तो वो चढ़ाई, वो ऊपर चल रहे हैं, चढ़ाई देखा सीधी खड़ी चढ़ाई है और टफ चढ़ाई है। ये वो जगह है गाइस, यहाँ से यमुना मैया शुरू हुई है। यहाँ बहुत ठंड है। ठंडा पानी है यार। पीछे देख सकते हो ये गर्म कुंड है, यहाँ पानी आ रहा है। आप वो धुआं देख सकते हो, वो धुआं गर्म पानी का है।
इवन मतलब मंदिर के बगल में हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा और कुंड इतने सारे हैं यहाँ पर। यहाँ से हम अभी हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे, हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुके हैं जिसमें आपके आपको अंदर का नहीं दिखा सकती, वो बाहर का दिखा सकती है। ये है हनुमान जी का मंदिर। इस टाइम पे हम लोग यमुनोत्री से उतर रहे हैं और आप मेरे पीछे क्लाउड्स देख सकते हैं, ऊपर बर्फ भी है, नीचे यमुना मैया है। जय माता दी, जीसू बोलो, जय पारी बोलो, जय दिया बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता हैप्पी बोले, जय माता दी बोलो, जय माता। गाइस अभी 1:30 बजा है और हम अभी भी उतर रहे हैं और मतलब हमने जो पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पर पीछे बादल आ चुके हैं, वहाँ बारिश के चांसेस है, आपको दिखाते हैं। लगातार यमुना मैया चलिए, जय माता दी। ज़्यादा दूरी कवर कर चुकी है और अभी थोड़ा हम अपने साथियों का वेट कर रहे हैं, पीछे से आ रहे हो आते पर मेरे नज़ारों का वो लीजिए, मतलब देखिए ये यमुना मैया। पहाड़ों की जड़ी बूटियों वाला पानी पीते हुए फाइनली हम अपने रूम पर जस्ट वापस आने वाले हैं, बस तो 1 मिनट और लगेगा और हम अपने रूम पर यमुनोत्री की चढ़ाई आसान नहीं है इसलिए हमने चढ़ाई में हम घोड़े से गए थे और हम उतर पैदल गए हैं, सबके पैरों ने जवाब दे दिया। 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हमने होटल का खाना ना खाते हुए हमने लॉज में हम रुके, वहाँ पे किचन थी तो वहाँ पे हमारी मौसी और मौसा जी ने खाना बनाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मौसी रोटी बना रही है और मौसा जी ने भी दाल बनाई सब खा रहे हैं, ये दो भी खा रहे हैं। कैसे खा रहे हो आप लोग खाना?